भाई लोगों, एक ऐसी वेब सीरीज जिसके रिलीज होने से पहले जब इसका फर्स्ट सीजन आया था तो बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि भाई क्या लो बजट वाली वेब सीरीज है और अधिकतर अधिकतर चेहरे इसमें नहीं है तो ये क्या मार्केट पे टिक पाएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी वेब सीरीज है जहां मिर्जापुर, जहां पर सेक्रेट गेम्स और भी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, फैमिली मैन, जो अपना नाम वेब सीरीज की दुनिया में जबरदस्त हिट करके चली गई थी खासकर इंडियन सिनेमा में, लेकिन एक छोटे से बजट की वेब सीरीज, वो भी कोई बहुत बड़ी तुर्रम खान कहानी नहीं है, लेकिन राइटिंग इसकी जो जितनी लिमिटेड थी वो बहुत प्यारी राइटिंग थी। गांव की एक ऐसी लाइफ को दिखाया गया है जहां पर लोगों को वो फुल कनेक्ट करके गया है और लोग भाई जब पहला सीजन खत्म हुआ बोला इतना छोटा सीजन, भाई सेकंड सीजन कब आएगा, और सेकंड सीजन भी बहुत जल्दी डिमांड पर आ गया। देन उसका सेकंड सीजन खत्म होने के बाद तबाही और ज्यादा ये मची कि लोग थर्ड सीजन की भी मांग धड़ल्ले से कर रहे थे और बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे थे। भाई मेकर्स ने पहले ही कोई हाइप नहीं बनाई, इतना ज्यादा कोई एक्साइटमेंट लोगों का नहीं रेज किया कि भाई क्या होने वाला क्या नहीं, बस आओ देखा ना था और बम गिरा दिया। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में दो बम गिराए गए थे, पंचायत सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है जो 28 मई को हमें पूरा सीजन 3 देखने को मिल जाएगा। और भाई जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट हुआ सारी चीजें रिकॉल हो गई जो फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में हमने देखा था, सारे कैरेक्टर, उन सारे कैरेक्टर्स की वो मासूमियत, और यही है क्योंकि विलेजर्स की लाइफ दिखाई गई है और विलेजर्स में जो अपनी छोटी मोटी कूटनीतियां चलती रहती हैं आपसी में, मनमुटाव, मन मतभेद, जो एक गुट बना के, खासकर भाई सबसे जबरदस्त करेक्टर मुझे लगता है भूषण का, जो हर बार प्रधान के रास्ते में आने के लिए उसको अड़चन पैदा करने के लिए कोई भी उल जुलूल, पहले तो वो बातें सोचता है, देन उस बात को पहले उसको अटल भी करता है और लोगों के ऊपर थोपता भी है और ऐसी क्रिंज हरकतें करता है जो आप फील भी करते होगे, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा होगा जो बेतुकी बिना सर पैर की बातें करता है और क्रिंज हरकतें, और उसे देख के ना मन करता है बस साले को जाके दो थप्पड़ झाड़ दें। तो भाई वो करेक्टर हर बार मेरे को बहुत टच करके जाता है और हिट भी करके जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से दुर्गेश कुमार ने वो एक्टिंग करी है उस करेक्टर को लेके, उस रोल को लेके, भाई उनसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता था। लिटरली वेट है, बहुत कुछ मिलने वाला है पंचायत सीजन 3 में, जिस चीज़ का खासकर वेट था लोगों को, अपने जीतू भैया और प्रधान की बिटिया की जो लव स्टोरी बार बार अटक जा रही थी और जिसको लोग कह रहे थे कि भाई साहब इसको हाईलाइट में करो, थोड़ा सा इसको रेज करके लाओ, खींच के लेके आओ, भाई वो पंचायत सीजन 3 में देखने को मिलने वाला है। लव एंगल का तड़का भी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। देन उसके बाद एज यूजुअल भूषण कुमार जितनी कोशिश कर सकता है प्रधान के रास्ते में अड़चने डालने की वो फुल कोशिश कर रहा है और वो उसकी क्रिंज स्माइल ही बता रही है कि इस बार भाई ये खुद बंदा प्रधान के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है अपने प्रधान जी के अपोजिट में। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, सारी चीज़ें वही मस्ती, मोहब्बत एंड छोटी मोटी दुश्मनी, छोटा मोटा प्यार, इनोसेंसी, एवरीथिंग। कितना कौन वेट कर रहा है भाई, मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ इस सीजन के लिए। 28 मई जल्दी आए और देख कर आपको रिव्यू भी दें क्या है क्या नहीं है। बाकी ट्रेलर किस किस ने देख लिया नीचे कॉमेंटों से जरूर बता के जाना कि आपको कैसा लगा, प्रॉमिसिंग था या नहीं था। भाई मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा और सबसे प्यारी बात इस सीरीज की यही है कि इसकी राइटिंग बहुत प्यारी है, एक एक चीज जिस हिसाब से करी गई है, एक एक चीज पे जितना फोकस करा जाता है इस पे, ये चीज बहुत हिट करके गई है लोगों को। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।